जब तुमको तुम्हारी एजुकेशन इतनी हिम्मत नहीं दे पाई कि तुम भीड़ में खड़े होकर प्रश्न कर सको, तो वो एजुकेशन तुम्हारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है? अगर तुम पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो और तुम सवाल नहीं कर सकते, तो एजुकेशन कम से कम इतनी तो क्षमता दे कि मैं पूछूंगा हाथ उठा के। ये सब 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, बता नहीं रहे। 5 साल से कर रहे हो ना, चलो तुमसे कुछ पूछेंगे नहीं। ऐसे बैठो जैसे तालिबान ने काबुल में कब्जा कर लिया। कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर आईएस बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए। जय हिंद फ्रेंड्स। हर आदमी, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे होंगे, 2 साल से तैयारी कर रहे होंगे। कितने लोग हैं जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं? बस 3-4 लोग 2 साल से तैयारी कर। ये सब 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, बता नहीं रहे। 5 साल से कर रहे हो ना। कई चीजें हैं जो मैं हर सेमिनार में रिपीट करता हूं, उसमें से एक ये है कि स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कोई इज्जत होती नहीं। कि तुम लोग जो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हो, तो स्कूल में किसी कारणवश पकड़े गए, कार्रवाई हुई हमारे ऊपर, तो मेरी माता जी ने कहा घर में कि कुल का नाम खराब कर रहा। तो मेरे पिताजी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोले कौन सा मुगल खाए कुल है कि हमारे कुल का भारत में बड़ा नाम। बोले कोई बात नहीं बेटा, जाओ तुम, हो गई गलती तो कोई बात। स्टूडेंट, तुम जहां भी सीखने जाओगे ये सब कॉन्सेप्ट लेकर, मैं तो क्लास में देखता हूँ 500 लड़के 600 लड़के बैठे होते, सवाल ही नहीं करते, एक दूसरे का चेहरा देखते। जब तुमको तुम्हारी एजुकेशन इतनी हिम्मत नहीं दे पाई कि तुम भीड़ में खड़े होकर प्रश्न कर सको, तो वो एजुकेशन तुम्हारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है? अगर तुम पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो और तुम सवाल नहीं कर सकते, भाई तुम सवाल, यहां इतने सारे लोग बैठे, अगर तुम कोई क्वेश्चन पूछते हो और लोग हंसते हैं, क्या फर्क पड़ता है? लोग सिर्फ मुर्दों पर नहीं हंसते। तुम जिंदा हो तो लोग तुम पर हंसेंगे। तो एजुकेशन कम से कम इतनी तो क्षमता दे कि मैं पूछूंगा हाथ उठा के। कितने लोग आते हैं कोचिंग करने, वो कोचिंग से वापस चले आते हैं, वो अपने डाउट्स पूछते ही नहीं क्लास में, टीचर से मिलने ही नहीं जाते। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब। और तुम उसी चीज से डरते हो, भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहीं के, बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास, पूरी क्लास हंसने लगी। कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर आईएएस बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए। तभी तो पढ़ोगे, आग है ही नहीं अंदर। ऊपर से मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर। मैं 4-5 दिन पहले क्लास ले रहा था दिल्ली में, तो एक भाई साहब लिख रहे थे एक हाथ से, दूसरे हाथ से मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैंने कहा यूट्यूबर हो, पकड़ लिया, वो कोने में उन्होंने रखा तो पकड़ में आ गया। मैंने कहा वैसे ही यार, इतने लोग पीछे पड़े हैं, क्या बना रहे हो? नहीं नहीं सर, ऐसे ही पढ़ लो यार। अब इस क्लास में बहुत सारे लोगों का PSIR ऑप्शनल होगा। कितने लोगों का है? क्यों कार्ल मार्क्स अमर है सोशलिज्म के हिस्ट्री में? जीवन में एक और अहम बात है, वो है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का मतलब बदमाशी नहीं होता। कॉलर खड़ा कर लिया, 3 बटन खोल ली, चाबी नचाते हुए जा रहे, ये सब नहीं होता। हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम ने जिसको सबसे ज्यादा निगलेक्ट, मतलब मैं देखता हूं लोग 4 आदमी के सामने बोल नहीं पाते, 10 लोग बैठे हैं वो बोलेंगे ही नहीं।